नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कोरांव प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर। चकबंदी को लेकर गांव के ग्रामीणों ने की अहम बैठक। मामला विकास खंड कोरांव अंतर्गत ग्राम सभा रामपुर कला का है, जहां पर आज संतरा देवी निषाद भारतीय किसान संघ जिला सह प्रमुख मातृ संगठन प्रयागराज के नेतृत्व में गांव की चकबंदी को लेकर ग्रामीणों ने एक अहम बैठक की, जिसमें चकबंदी के पक्ष में 80% लोग और वहीं पर 20% विपक्षी, जो कि चकबंदी नहीं चाहते हैं और उसको रोकने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय कंचन 3:30 बजे इस बैठक में आकर आधे घंटे के अंदर वापस चली गई और किसी भी समस्या का निवारण नहीं किया और चकबंदी को लेखपालों के भरोसे छोड़ दिया गया। वहीं संतरा देवी का कहना है कि गांव के ही चिंतामणि यादव के पुत्र व दिनेश मिश्रा केदारनाथ सिंह ने मिलकर चकबंदी के पक्ष के लोगों को व स्वयं हमें गाली भी दिया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। संतरा देवी निषाद ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिससे हमारे और गांव के लोगों के जान माल की रक्षा हो सके। और उप जिलाधिकारी कोरांव से निवेदन किया कि चकबंदी जैसी समस्या का तत्काल निराकरण किया जाए, जो जनहित में अति आवश्यक है। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप को। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सभी विभाग के अधिकारीगण, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। रामपुर कला गांव के ओर से, ग्राम रामपुर कला, थाना कोरांव, तहसील कोरांव, ब्लॉक कोरांव, जिला प्रयागराज। मैं संतरा देवी भारतीय किसान संघ जिला प्रमुख प्रयागराज रहने वाली इसी गाँव रामपुर कला की निवासी हूँ। और देखिए, आज चकबंदी से संबंधित बैठक रखी गई है और जो कि चकबंदी चाहने वाले की संख्या यह है, यह चकबंदी चाहने वाली की संख्या है और चकबंदी न चाहने वाली की संख्या 20% थी और उसमें मार झगड़ कर रहे हैं, सारी महिलाओं को गाली दे रहे हैं। गाली देने वाले चिंतामणि मास्टर के लड़का, चिंतामणि यादव मास्टर के लड़का दिनेश मिश्रा और इसके बाद ये उनका किन्नर केदारनाथ, और नहीं जानती हूँ बात बाकी। मैं अभी जाके थाने पर कार्रवाई कराऊंगी। मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गांव रामपुर कला में चकबंदी अवश्य होनी चाहिए। यहाँ उप जिलाधिकारी SDM महोदया श्री कंचन जी आए, कंचन जी आई और बोली कि मैं 2 बजे आ रही हूँ। 2 बजे के बजाय 3:30 बजे आई, आधा घंटा बैठी और जनताओं की वोटिंग यह हुआ कि दस्तखत होगा, नाम लिखा जाएगा, नहीं हुआ। इसके पहले वो चलता चल तहसील पे चली गई और बाद बाकी लेखपालों के सहारे छोड़ दी है चकबंदी होने का दस्तखत करने के लिए। जब पूरे अधिकारी चले गए, पुलिस प्रशासन है मौके पर, पुलिस प्रशासन की नहीं सुनवाई हो रही है, न लेखपालों की सुनी जा रही है। जनता जो न चकबंदी न चाहने वाले 30% वाले पंडित, बहुत मतलब की जमींदार जाते वाले, इन लोगों को मारने के लिए, और मैं इन लोगों की बसिया बोल रही हूँ, मुझे धमकी दे रहे हैं तुमको मारूंगे। अभद्र भाषा, अभद्र गाली का प्रयोग करते हुए मुझे गाली दिया। मैं सभी प्रशासन, आदरणीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि मेरी समस्या सुनी जाए, रामपुर कला की समस्या सुनी जाए। और नहीं तो कोई वो नहीं है कि कहते हैं कि महिलाओं की प्रथम वैधता 50% 100% सम्मान है। मैं जान रही हूँ कि कुछ सम्मान नहीं है, कुछ नहीं। अगर हमारी सम्मान हमारी सुनी जाएगी तो गाँव रामपुर कला में चकबंदी होनी चाहिए और जो महिलाओं को, गरीब दलित को गाली दिया है उनके नाम FIR दर्ज किया जाए और मुकदमा तत्काल करके जल भेजा जाए, तब तो मैं सहमत हूँ। बोलिए, इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।